दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ब्लैक फंगस आखिर क्या है ये नई बीमारी? कैसे होती है ब्लैक फंगस की बीमारी? कैसे समझे कि ब्लैक फंगस ने कर दिया है अटैक? क्या है बचाव के उपाय और किस पर ज्यादा खतरा है? सब जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। आजकल इंडिया में चारों तरफ ब्लैक फंगस की इस भयानक बीमारी को फैल रही है, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धवल और स्वागत है आपका फैक्ट की दुनिया में। दरअसल ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों पर अटैक कर पाता है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। ब्लैक फंगस क्या है? ये एक दुर्लभ संक्रमण है जिसे म्यूकोर माइकोसिस भी कहा जाता है। ये COVID-19 के मरीजों के या फिर ठीक हो चुके मरीजों के खतरा साबित हो सकती है। अगर समय पर ध्यान ना दिया गया तो 50-80% मरीजों को इससे मौत हो सकती है। यह एक फंगल इन्फेक्शन है जो आमतौर से उन लोगों को संक्रमित करता है जो किसी न किसी बीमारी की वजह से दवाओं पर निर्भर है। इसकी वजह से उनमें रोगाणु से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों में हवा के जरिए फेफड़ों में संक्रमण फैल जाता है। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है, आइए जानते हैं। इसका लक्षण इस पर निर्भर करता है कि यह शरीर के किस हिस्से में फैल रहा है। हालांकि आमतौर पर साइनस फेफड़ों के दिमाग में फैल रहा है। इसके आम लक्षण नाक बंद हो जाना, नाक की ऊपरी परत पर पपड़ी जम जाना, नाक की स्किन काली पड़ जाना। इसके अलावा आंखों में दर्द और धुंधला दिखाई देने का भी इसकी लक्षण है। किससे है ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा? कोरोना के पुराने मरीजों को, डायबिटीज के मरीजों को जिनका कैंसर का इलाज हो रहा है, और ट्रांसप्लांट करवाने वाले को भी ब्लैक फंगस का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। क्या ब्लैक फंगस वातावरण में मौजूद है? खास करके मिट्टी में उसकी मौजूदगी सबसे ज्यादा होती है। स्वास्थ्य और मजबूत इम्यूनिटी वाले लोगों पर यह अटैक नहीं कर पाता। जिस मरीजों को शुरुआत में ही स्टेरॉयड दिए गए हो उनमें से ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा रहने की संभावना है। स्टेरॉयड की बहुत ज्यादा डोज दिए जाने वाले मरीज को भी ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को खून में मिठास की मात्रा बढ़ जाती है जो हाई ब्लड शुगर के रूप में सामने आता है। अगर लंबे वक्त तक स्टेरॉयड दिए जाने को भी लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकते हैं। कैसे समझे कि ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया है? अगर आपको नाक में दिक्कत महसूस हो रहा है, अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, चेहरे में एक हिस्से में दर्द महसूस हो रहा है, सूज गया है, चेहरा सुन्न पड़ रहा है, चेहरों का रंग बदल रहा हो, पलके सूजने लगे हो, दांत हिलने लगे हो, अगर ब्लैक फंगस ने आपको फेफड़े पर संक्रमण कर दिया है तो ये लक्षण दिखेंगे। बुखार आना, सांस लेने में दिक्कत आनी, कफ की शुरुआत होनी, पंखार में खून आना, सीने में दर्द, धुंधला दिखाई पड़े, यह लक्षण दिखाते हैं कि आपको ब्लैक फंगस की बीमारी होने वाली है। इसीलिए तुरंत डॉक्टर का संपर्क करें। दवाइयों से भी ज्यादा इलाज हो जाता है, कुछ मौकों पर सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है और कोरोना से संक्रमित हो गए हो तो अपना ब्लड शुगर नियमित तौर पर चेक करते रहें, और अगर शुगर की दवाई बिल्कुल संभल कर ले। कितना खतरनाक है और क्या है इलाज इसका? यह नाक या मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। दूसरे चरण में यह आंखों को प्रभावित करता है और तीसरे चरण में यह दिमाग पर अटैक करता है। 4-6 हफ्ते तक दवाइयां लेनी पड़ती है। गंभीर मामलों में 3-3 महीने तक इलाज चलता है। इस मरीज को है सबसे अधिक खतरा डायबिटीज के मरीज में जिन्हें स्टेरॉयड दिया जाता है। कैंसर का इलाज कर रहे मरीज पे अधिक मात्रा में स्टेरॉयड लेने वाले मरीज, ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज जो ऑक्सीजन मास्क या वेंटिलेटर के जरिए ऑक्सीजन के सपोर्ट में हैं, ऐसे मरीज जिनके किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ है, और ऐसे मरीज जिनकी रोग प्रतिकारक क्षमता बेहद कमजोर है, यह लक्षण हो सकते हैं ब्लैक फंगस के। ब्लैक फंगस आमतौर पर साइनस, मस्तिष्क और फेफड़ों पर प्रभावित होता है। हालांकि ओरल कैविटी या मस्तिष्क के ब्लैक फंगस से सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका रहती है, लेकिन कई मामलों में यह शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे कि स्किन और शरीर के अन्य ऑर्गन सिस्टम।
अगर आपको इनमें से कुछ भी लक्षण हो तो ब्लैक फंगस को लेकर जांच कराना चाहिए। नाक बंद होना या नाक से खून आना, काला काला पपड़ी जैसा बन जाना, गाल की हड्डियों में दर्द होना, एक तरफ चेहरे में दर्द, सुन्न या सूजन होना, नाक की ऊपरी सतह का काला होना, दांत ढीले होना या हिलने लगना, आंखों में तेज दर्द होना, धुंधला दिखाई देना या चेहरा बहुत ज्यादा दुखना, आंखों के आसपास सूजन हो सकती है, सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। कोरोना के संक्रमितों में बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले। देश में कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी बीच में ब्लैक फंगस के भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। पहले साल में एक दो ब्लैक फंगस के मामले आते थे, लेकिन अब महीने में 30 या 35 मामले आ रहे हैं। मतलब इसका समझ रहे हो, यानी कि हर दिन एक केस नया आ रहा है जो कि ब्लैक फंगस का है। इस कारणों से बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले। कोरोना के स्टेरॉयड का इस्तेमाल हो रहा है जिसमें शुगर का लेवल बढ़ रहा है। शुगर लेवल बढ़ने और फिजिकल एक्टिविटी न होने पर ब्लैक फंगस के संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है। स्टेरॉयड के इस्तेमाल से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिससे ब्लैक फंगस के विरुद्ध शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाता है। डायबिटीज के मरीज हाइजीन और इक्विपमेंट में चलते भी ब्लैक फंगस के मामले चल रहे हैं। कोरोना के मरीज में इतने अधिक आ रहे हैं कि अस्पतालों में सफाई पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। इसके चलते इक्विपमेंट पर फंगस जमा होने की आशंका बढ़ जाती है। ब्लैक फंगस के इलाज में सावधानी जरूरी है। डायबिटीज मरीजों में ब्लैक फंगस का शुरुआती दौर में ही पता लगाना बहुत मुश्किल है। डायबिटीज लोगों को ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाएं देने की उसकी किडनी या अन्य अंगों पर बुरा असर पड़ने का भी खतरा रहता है। जिन कोरोना संक्रमितों को ब्लैक फंगस हो रहा है उन्हें ट्रीटमेंट के समय और रिकवरी के बाद स्टेरॉयड की डोज बेहद सावधानी से दी जानी चाहिए। ब्लैक फंगस का इलाज 3 चरणों में किया जाता है। पहले चरण में सिर्फ संक्रमण की दवा वजह जानकर दी जाती है। शुगर लेवल एसिडोसिस चेक किया जाना चाहिए। इसके बाद सर्जरी के लिए अग्रेसिव तरीके से डेड टिश्यू हटाए जाने चाहिए ताकि फंगस को अधिक फैलने से रोका जा सके। इसके बाद उचित दवाएं भी दी जाती है और ज्यादातर मरीजों ऐसे होते हैं जो ब्लैक फंगस के संक्रमण में आ तो जाते हैं लेकिन उसके बारे में मरीज को कुछ पता ही नहीं होता। तो प्लीज सावधानी रखिए और ब्लैक फंगस से बचिए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, वंदे मातरम।